दृष्टि की कुछ नियम है जिसमें आदि बंधा रहता है और उन नियमों में चलने से ही सुख जब तक नियम नहीं पहचानता तब तक लगता है पता नहीं क्या होगा नहीं रहती है एक भय बना रहता है गुरुदेव। खूब खुश रहिए प्रसन्न रहिए आप लोग स्वस्थ रहिए धन्यवाद जो हम लोग को बुलाने की कृपा करवाई खूब खुश रहिए आपके अच्छे कर्म जो आपको दरबार मिला बाबा का माँ का सानिध्य मिला है ये आपके अच्छे कर्म ही हैं जो यहाँ तक आप पहुँचे आपको प्रेरणा मिली आपके अच्छे पितरों ने प्रेरणा भी आपको दी हाँ तो सब अच्छे के लिए हम तो ये मानते हैं जो था वो भी अच्छा था और जो अब आप स्वस्थ हो खड़े हैं ये भी अच्छा है और आगे भी अच्छा रहेगा सृष्टि के कुछ नियम है जिसमें आदि रहता है और उन नियमों में चलने से ही सुख जब आदमी नियम जान लेता है तो फिर सुख मिलता है जब तक नियम नहीं पहचानता तब तक लगता है पता नहीं क्या होगा अनिश्चितता रहती है एक भय बना रहता है तो उसका कष्ट भी बना रहता है अब आपके पास विराट ऊर्जा का पुण्य है विराट ऊर्जा आपके साथ है इसीलिए आपके तमाम ऐसे जो रोग कष्ट थे उनकी स्मृतियाँ सब नष्ट हुई हैं जैसे हृदय आपके हृदय के जैसे सूजन थी आपकी आर्टरीज ब्लॉक हो रही थी इसे भी आपका देखिए आपका चित्र ब्रेन और हार्ट का ये हालत हो गई थी जो ये सब स्मृतियां नष्ट हो गई अब आप एकदम शुद्ध पवित्र निरोगी हो गए खड़े ये पेट में तकलीफ रहती है पेट मैं दिखाता हूँ आपको ये तो जानकारी में नहीं थी जी लीवर भी काफी बड़ा हो रहा था बढ़ रहा सड़, था मुँह हाँ, के कारण कुछ नहीं था ड्यू टू लीवर हाँ ये सारा कुछ लीवर एक मिनट इसमें जैसे कैंसर की स्मृतियाँ थीं आपके मुंह में आंतों में गले में लीवर में है ना ये सब कैंसरस थी सारी कैंसर की स्मृतियाँ थी अच्छा हम्म और ये स्मृतियाँ ही धीरे धीरे रोग का रूप ले लेती हैं <clears throat> यही स्मृतियाँ जब आपका मस्तिष्क स्वीकार कर लेता है हाँ। तो चित्त में जाकर के चीज़ें गहरे में बैठ जाती हैं तो उसके अनुसूप ही शरीर स्वीकार कर लेता है इसको और जब शरीर स्वीकार कर लेता है तो रोग बनने लगता है ये थीग सब आप लोगों के रोग कष्ट थे जिनकी सब स्मृतियाँ नष्ट हुई और जो लाल घेरे के अंदर है ये आपके कष्ट रोग थे जो ये इस सब स्मृतियाँ नष्ट हुई जड़ रोगों के। तो में की में मेरे तो अल्सर थे दस बारह तेरह साल पहले हाँ आंतों में घाव थे आंतों में घाव थे वो सब स्मृतियां रहती हैं स्मृतियां नहीं जाती हैं अच्छा। जैसे आपको रोग हुआ सपोज करिए हाँ, हाँ, हाँ। तो रोग हो हो के के आप सोचते चलो ठीक ठीक गया दवा खा के। वो वो नहीं होता स्मृति रहेगी रहेगी वो स्मृति नष्ट तो नहीं होगी दोबारा बहुत तकलीफ पाता हूँ जी खाना खाने खा पाता हूँ यस तो वो स्मृति बनी रहेगी तो जैसे आप में तो कभी आपके परिवार में वो स्मृति और भी जा सकती किसी में वही रोग उसमें बनने लगेगा अभी इसराइल ने और आ, क्या बोलते हैं ब्रिटेन ने एक साझा एक रिसर्च की थी तो उसमें उन्होंने आधी रिसर्च आधी सत्य को पाया वो लोग लेकिन फिर भी सत्य के नज़दीक पहुँचे तो रिसर्च का पेपर मेरे पास है उन्होंने प्रकाशित किया अच्छा तो उन्होंने ये चीज़ जो है प्रकाशित की रिसर्च में सामने लाए जो उनको मिला कि जो रोग होते हैं रोग का दोबारा रिपीट कैसे होता है एक रोग है फिर दोबारा फिर बन जाता है फिर जैसे तो कैंसर मान लीजिए है ठीक तो आदमी जाता है डॉक्टर कहता कीमो होगा फिर सर्जरी होगी फिर रेडिएशन होगा फिर निकालते हैं एक रिपोर्ट कि साहब अनिल आपका नील रिपोर्ट आ गई तो आप कहते हैं हाँ भाई हो गया साल दो साल बाद फिर हो जाता है फिर पहुंचे तो फिर वही प्रक्रिया बोले फिर नील फिर हो जाता है ऐसे बोले अब मर गए बाप अब क्या होगा बोले अब दवा काम नहीं कर रही घर जाओ तो क्या होता है जो रिपीट हो रहा है ये रिपीट क्यों होता है जब नील आ जाती है रिपोर्ट शिश निकलवा दो पथरी निकलवा दो शरीर से फिर हो जाती है तो उन्होंने रिसर्च में पाया कि रोग की जो स्मृतियां होती हैं इलाज की <laughs> ट्रीटमेंट की जो स्मृतियां हैं वो दोबारा से रोग पैदा कर देती हैं आप <laughs> की है वही रोग बनाने का कारण है।, बार -बार है ये जो तो स्मृति आ जाती है तो इलाज हुआ नहीं रोग बन गई कहाँ से आया तो आधी बात उन्होंने पकड़ी और जो पीछे की बात है वो आप लोग समझते हैं कि पितरों के कारण उनकी स्मृतियाँ हमारी अपने पिछले जन्मों की स्वयं की रोगों की स्मृतियाँ है ना जो डिसकंटिन्यू हो जाती है बॉडी जब डेड हो जाती है नई बॉडी मिलती फिर वो स्मृतियाँ जीवित होती फिर सक्रिय होती है तो पुराने सब फिर शुरू हो जाते हैं रोग कष्ट तो दरबार क्या करता है उन स्मृतियों को नष्ट करता है जब स्मृतियाँ नष्ट होती हैं रोगों की जड़ नष्ट हो जाती है ये उसी जो कारण है वो जड़ता है कारण नष्ट हो जाता है तो कारण शरीर फिर सूक्ष्म शरीर फिर स्थूल शरीर तो कारण से बीज नष्ट हो गए बीज ही स्मृतियाँ हैं

मुझे नहीं लगता है कि अब आपको कुछ ऐसा कुछ आ सकता है पड़ेगी बस आप चेकअप जरूर कराते रहिएगा है पेट अभी भी मतलब एकदम हाँ। लग रहा कड़ा लग रहा है देखिए अभी आप बहुत अच्छे केवल आपको चेकअप कराने के अच्छे डॉक्टर से आ सकता है आ सकता है क्योंकि कैंसरस बॉडी थी ना देखिए पढ़िए इसको ये होता था इतनी जलन और कष्ट होता था कि लगता है कोई चाकू से भोजन नली पेट और आंटे काट रहा है एकदम हकीकत है वो। ऐसे ही होता था लगता था कोई काट रहा है से अंदर खाना खाने का मतलब वही कि मतलब इच्छा नहीं करती जबरदस्ती शरीर चलाना है बस जबरदस्ती शरीर चला रहे थे लेकिन अब आप एकदम निरोगी होके खड़े हैं आपको कोई भी कष्ट नहीं है कोई कष्ट लग रहा है कष्ट पेट भारी है अभी भारी नहीं कष्ट और कुछ नहीं है। ये सारे आपको रोग कष्ट थे जो लाल घेरे के अंदर है और ये सारी स्मृतियां नष्ट हो गई इसलिए अब केवल लेपन चाहिए और दरबार की ओर से एक महाअवन होगा निःशुल्क तो वो करना है तो कोई भी कर लेगा उसमें आप भी रहेंगे आप ये बताएंगे कौन कौन रहेगा उसमें एक तो आप रहेंगे कुल तीन लोग रहेंगे है वो रहेंगी आपके बगल में आपकी कौन नहीं है इधर मेरी वाइफ है आपके ये रहेंगी उस महावन में अब बाकी बच्चे कौन रहेगा हम बताएंगे बच्चे और भाई मतलब है काफी ठीक है ये जी रही है और तकलीफ में भी मतलब बहुत दस सालों से तकलीफ में पूरा बिजनेस हो गया अब तो आप दरबार से जुड़ गए हैं लेकिन सारा समली ये पूरा मतलब अब तो आप दरबार से जुड़ गए हैं <laughs> अब तो जो संकल्प आप लेते जाएंगे वही होता जाएगा आपको तो बाबा का दामन मिल गया है माँ की गोद मिली अब तो कुछ दिक्कत ही नहीं है आपको तो, तो बोलना है संकल्प करना और रास्ता खाली मिलेगा आपको मतलब करोड़ों रुपया खाके बैठे हैं मतलब बिल्कुल जब स्मृतियां ऐसी रहती हैं खराब बुद्धि भी नहीं काम करती जिसको नहीं देना उसको दे देते हैं भाई पैसा है ना तो फिर फस जाता है अभी सब कुछ आपका एकदम मन मस्तिष्क एकदम साफ है आपका कॉन्फिडेंस दरबार ने खूब बढ़ा रखा है लगता है खूब करेंगे जम के अपना काम लग रहा है सभी में प्रॉपर्टी में जाने के बाद मतलब बहुत तकलीफ शुरू हुआ बिल्कुल सभी कुछ अब अच्छा होने निकालने हो की है मला ये, ये भी होगा ये है? भी होगा आप कोई विशेष होगा तो बताएंगे आप हमें तो हम करेंगे देखिए जैसे आपकी आपकी आंख का ये चित्र है आंख में आपकी ग्लूकोमा की, की स्मृति थी अच्छा ऐसी अंदर पस अंदर पक रहा था रेटिना पक रही थी अंदर अच्छा ये क्या होता था हम दिख बताते हैं आप जैसे ऐसे हाथ रखी रखेंगे आप तो अगल बगल का नहीं दिखाई देगा ये वाली स्थिति आपकी बन गई थी आप जैसे अगल बगल दिखाई देता है ना सामने देखने पर भी अगल बगल दिखता है लेकिन आप सीधे सामने आगे रखेंगे तो आपको अगल बगल नहीं दिखेगा ठीक बात है जब तक आप आंख नहीं घुमाएंगे तब तो तक नहीं दिखेगा इसे ग्लूकोमा कहते हैं जस्ट लाइक पाइप के अंदर से कोई चीज देख रहे हैं ऐसे तो अगल बगल का नहीं दिख रहा है ये वाली कंडीशन है इसे ग्लूकोमा कहते हैं और अंधेपन की स्मृति आपके परिवार में थी उस बच्चे में पीछे उसमें भी आई थी ये भी ग्लूकोमा की स्मृति ये स्मृति नष्ट हो गई हाँ खुश रही खुश जो प्रॉपर्टी वाली बात आप बताएंगे आप चिंता मत करें आप ठीक है प्रॉपर्टी तो, निकला बिजनेस भी वापिस बिल्कुल व्यापार भी आपका चलेगा खूब चलेगा आंखें बंद करिए आप आंखें बंद कर ओम महा दरबार का आकर्षण और भर दिया जाए और भर दिया जाए आकर्षण दरबार का इनकी नेत्रों में वाणी में चेहरे पर दरबार का आकर्षण बढ़ा दिया जाए और बढ़ा दिया जाए जब भी किसी से मिले बात करें अपने व्यापार के सिलसिले में अपनी जमीन जायदाद के सिलसिले में वो कितना भी नकारात्मक हो इनको देखते ही सकारात्मक हो और इनकी हर संभव सहायता करें सहमत हो मेहरबान पांच बार बोलिए ओम नमः शिवाय 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 ओम बैलेंस आंख खोल लीजिए बढ़िया है आप जो संपत्ति के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं जिस व्यापार की आप चर्चा कर रहे हैं आग बंद करके उसके बारे में सोचिए देखिए क्या भाव आ रहे हैं, ठीक होगा या नहीं होगा तो वहां खाली जगमग लाइटें दिखाई दे रही है मेरे लाइट ही लाइट दिखाई दे रही है? अब लाइट ही लाइट है इसलिए लाइट ही लाइट दिखाई देगी <laughs> अंधकार समाप्त है है ना अब आप सब कर पाएंगे बहुत अच्छे बाकी दरबार है आपके साथ कहीं कोई दिक्कत आए समस्या आए बिल्कुल खूब खुश